पहली मई के पहले पुलिस का भारी बंदोबस्त आपके ऑफिस के बाहर लगा दिया गया है, क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? ऐसा है, राज साहब की दो सभा हो गई, राज साहब की दो सभा में राज साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो भोंगे के ऊपर विषय लिया था, ये विषय सामान्य लोगों का विषय था, सामान्य हिंदू लोगों का विषय जो उनको तकलीफ होती। पहले आप देखे होंगे नवरात्रि में डांडिया 6 बजे तक चलता था, गणपति विसर्जन, नव दुर्गा विसर्जन, जब तक विसर्जन सब नहीं होता तब तक बैंजो डीजे बजता था, लेकिन इन लोगों ने 10 बजे की पाबंदी लाई। उसके बाद आप जानते हो कि 10 बजे में कहीं तो बीच रास्ते में ये लोग बैंजो या जो बंद कर देते थे डीजे, उसके बाद वहाँ से हम लोग जो लेके जाते थे विसर्जन को अपने दैवत को, तो उस वक्त हिंदू की मनस्थिति क्या होती थी समझ के किसी ने लिया है? हम कोई लाश या बोलते प्रेत लेके जा रहे हैं क्या शमशान में? हमारा भगवान है, उसका विसर्जन करने जा रहे तो वो उत्साह रहता है, ये बीच रास्ते में रुका देते थे। अब सब निर्बंध के हम लोग ही पाले, तो उसका लोग इतना धर्म को नहीं सोचना चाहिए? तो आप लोगों को मन का विषय साहब ने लिया, हिंदुओं के मन का विषय लिया है, इसके वजह से ये इतर जो पक्ष है इनको डर पैदा हो गया है कि लोगों का जो बढ़ता सपोर्ट देकर इन लोग डर गए हुए। आज देखो 15 अलग अलग पार्टियों ने संभाजी नगर राज सब की तीसरी जो सभा होने लगी उसका विरोध कर रहे, अरे 1500 लोगों ने विरोध किया तो भी 1 मई को संभाजी नगर में राज साहब की सभा होगी, पुलिस परमिशन मिले या ना मिले। जिस तरह से पुलिस का बंदोबस्त बढ़ाया गया है, क्या मन से सरकार के सामने जीतने वाली है? देखो मेरे ऑफिस पे सवेरे 20 और रात को 20 पुलिस वाले, पूरा पुलिस डब्बा लगे के यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं मेरे को। मुझे ऐसा लगता है मुझे झेड प्लस के ऊपर कोई सिक्योरिटी मिल गई क्या? अरे इससे कुछ होने वाला है क्या? मन से वाले सुनने वाले है क्या? मन से वाले यहाँ बड़ी तादाद में साहब की सभा में जाएंगे, वहाँ परमिशन नहीं मिली तो भी सभा होने वाली है।